कोरोना 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 चार दिशाओं में एक ही शब्द गूंज रहा है, सबके मन में, सबकी बोली पे, भाषा पे कोरोना छाया हुआ है। वही कुछ क्षणों के लिए देखते हैं कि जो भी अपने को बताया गया है डॉक्टर के द्वारा, अलग अलग चीजें जिससे कि हमको ये इन्फेक्शन ना लगे, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। पहले बताया गया है कि अपने को दूरी रखनी है 1 मीटर की, क्योंकि जब भी आदमी कोई छींकता है, खांसी करता है, तो उतने डिस्टेंस तक दूसरे आदमी का वो टच नहीं होगा जो भी कीटाणु उसके मुंह से निकल रहे हैं। इसलिए डिस्टेंसिंग रखना है और अपने कपड़े जो है स्पर्श नहीं हो रहे, ताकि अगर उसके कपड़े पे भी अगर वायरस छाया हुआ है तो हमको लगे नहीं। इसलिए बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग। उसे बताया जाता है कि हाथ धोना है, और भी पानी से नहीं, सिर्फ साबुन से। वायरस एक प्रकार का छोटा प्रोटीन होता है, उसके आजू बाजू में एक फैट का लेयर रहता है। जैसे ही स्पर्श होता है साबुन का, वो फैट लेयर डिसॉल्व हो जाता है, फट जाता है और प्रोटीन खत्म हो जाता है, जिससे वो वायरस अपने आप में जो है वो इन्फेक्शन करने काबिल नहीं रहता है, तो उधर ही मर जाता है। तो ये फायदा हुआ हाथ धोने का। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना जो हाथ है वो बार बार हम फेस पे ना लगाएं, क्योंकि वायरस चमड़ी से नहीं जाता है। वायरस कहां से जाता है? वायरस जाता है अपने नाक से, अपने मुंह से। इसलिए क्या बताया जाता है कि मास्क पहन लो, और मास्क को बार बार छूना नहीं, आंखों को छूना नहीं, क्योंकि वायरस की एंट्री पॉइंट ही है नाक से मुंह से। अगर नाक में गया तो क्या होगा, सुनो, मेरे को छींक आएगी, थोड़ा सा बुखार आएगा, तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर बताते हैं भाप ले लो, सादा पानी का, विक्स का, नीलगिरी के तेल का, किसी का हो, भाप लो। भाप की जो टेम्परेचर होती है, उसकी स्टीम की टेम्परेचर जो होती है, उससे वायरस खत्म हो जाता है। वायरस ज्यादा करके ठंडी में ज्यादा ग्रो होता है और गर्मी से वो मरता है। नाक पर कहां जाएगा? वो गले में आएगा। नाक में से निकलकर उसको छाती में जाने की उसकी इंतजार रहती है, ये वायरस को लंग में जाने की बहुत इंतजार रहती है कि वो लंग में चला जाए, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, फेफड़े का वायरस है। लेकिन यहां जाने के पहले कहां जाना पड़ेगा? उसको गले से निकलना पड़ेगा। गले में भगवान की दया से टॉन्सिल्स हैं और ऐसे अलग प्रकार के वहां पे लिम्फ टिश्यू है, लिम्फोइड टिश्यू है, क्योंकि यहां पर कुछ अटक जाता है। जब यहां पर आ जाता है तो खांसी होती, खराश होती है, गला दर्द होता है, तो मैं वायरस गले में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्म पानी पियो। गर्म पानी बार बार पीने से वही वायरस गर्म पानी से खत्म हो जाता है। और फिर बताया जाता है कि विटामिन का गार्गल करो, गुल्ला करो, नमक पानी का गुल्ला करो, और काढ़ा होता है, काढ़ा भी पी सकते हैं। काढ़ा कैसे बनाया जाता है? काढ़े में 3-4 चीजें जरूरी है, क्या है? एक है आप टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर आधा चम्मच ले लीजिए, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, 1 इंच टुकड़ा जो होता है गुड़ का, और 1 इंच टुकड़ा छीना हुआ अदरक का, 200-250 ml पानी में डाल दीजिए, थोड़ा सा उबालिए उसको, और पीने योग्य हो जाए उसको पी लीजिए। ये काढ़े के अंदर जो टर्मरिक और जो काली मिर्च है, ये वायरस को खत्म करता है। उसमें कुरकुमिन होता है, जिंजर में भी एंटीवायरस प्रॉपर्टीज है, एंटीबैक्टीरिया प्रॉपर्टीज भी है, तो अपने गले को तो साफ करता है, खून को भी साफ करता है, अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसको आप सुबह शाम आराम से पी सकते हो खाने के बाद। तो ये सब चीज करने से ऑटोमेटिक क्या होता है कि गले की जो बीमारी है, सोर थ्रोट की बीमारी है, खत्म हो जाती है, और वायरस लंग्स से पहुंचने से अटक जाता है, क्योंकि लंग्स में जाने के बाद ही जो है जो बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता है, वहां पे लंग्स पे आईसीयू जाना पड़ता है, वेंटिलेटर लगाना पड़ता है, और मृत्यु का भय बढ़ जाता है। तो ये सब चीज जो बताई जा रही है, ये वैज्ञानिक जो है कारण है क्यों ये सब चीज वायरस को से बचाने के लिए वो करना है। धन्यवाद।